पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि, जीएसटी का भार और प्रशासनिक अधिकारियों की तानाशाही से परेशान वाहन चालकों ने इंदौर के संभाग आयुक्त कार्यालय परिसर में किया जंगी प्रदर्शन। मंगलवार दोपहर को मध्य प्रदेश परिवहन महासंघ द्वारा संभाग आयुक्त कार्यालय परिसर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया गया, जहां बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक सहित तमाम वाहनों के संचालकों, ड्राइवरों और अन्य संबंधित लोगों ने अपने हाथों में तख्ती लिए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रांसपोर्ट संचालक जगदीश जाम्बेकर ने बताया कि पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है और विभिन्न तरह के टैक्स के नाम पर वाहन चालकों को परेशान किया जा रहा है। वाहन संचालक कर्ज के बोझ में दब रहे हैं और सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। ऐसे में सरकार को जगाने के लिए उन्होंने यह प्रदर्शन किया है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चे के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मांगे मानना पड़ेगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट से पूरा देश चल रहा है, दुनिया चल रही है और इंदौर चल रहा है। आज जो मूल्य वृद्धि हुई है पेट्रोल डीजल की कीमतों में, फिर टैक्स बढ़े हैं, इंश्योरेंस की कीमत बढ़ी, फिर ऑनलाइन कंपनियों ने हमारा दम निकाल लिया, हमारा व्यापार व्यवसाय चौपट हो गया है। और कुछ लाल फिताशाही अधिकारियों ने एक बहुत सोच के साथ आए कि इस धंधे को कुचलना, परिवार के धंधे को कुचलना है, इसलिए AISCTL जैसी कंपनियाँ इंदौर में डली है। ये कंपनी आने से हमारा रोजी रोजगार बर्बाद हो गया है। आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि सब पे कर जाएं, हमारी इंस्टॉलमेंट ठीक तरह से जानी पड़ी। आज ज्ञापन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लिया जाए। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, ऐसी परिस्थिति में हम पहिया बंद हड़ताल करेंगे और पूरे शहर में परिवहन का एक भी साधन नहीं चल पाएगा। मैं राजेश बड़कर, श्रम आंदोलन संस्थापक हूँ। आज प्रदर्शन रखा गया है कि हमारे पूरे देश में डीजल पेट्रोल की जो मूल्य वृद्धि इन्होंने सरकार ने बढ़ाई है, साथ ही आज चेक पोस्टों में अवैध रूप से जो वसूली की जाती गाड़ियों की, और हमारे जो ड्राइवर भाई है ऐसी स्थिति में उनकी आज लॉकडाउन के बाद में पड़ी स्थिति खराब। ट्रांसपोर्ट, जबकि पूरा ट्रांसपोर्ट पूरे देश का रेवेन्यू देता है, पूरा टैक्स भरता है परिवहन को, आज भी उनको वैसा सरकार द्वारा महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस कारण आप पूरे हमारे यूनियन, सभी यूनियनों ने ये मिल करके ये प्रदर्शन आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जहां पर कमिश्नर कार्यालय पर सारे संगठन इकट्ठे होकर के ये हम लोग सारे मिलकर बांट रहा हूं भाई। जिस तरह अवैध वसूली चल रही है, जहां पर RTO मनमानी स्तर पर ड्राइवरों के साथ में बदतमीजी से बात करते हैं, ऐसी स्थिति में गाली गलौज करते हैं, आज बताइए ट्रांसपोर्टर क्या करेगा। जबकि हम देश सेवा के लिए, देश का यहां से लोगों के लिए माल परिवहन गंतव्यों तक पहुँचाने का काम करते हैं। जगदीश जाम्बेकर, मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।